जय हिंद दोस्तों, आज का इस वीडियो में बीपीएससी टीचर भर्ती 2023 इसके बारे में पूरा अपडेट देने वाले हैं। अगर आपको इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है तो बीपीएससी का शुरू से लेकर लास्ट तक यानी कि अभी तक फुल डिटेल्स बताने वाले हैं। इसके बाद आपको एक भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो बीपीएससी का लेटेस्ट न्यूज के अनुसार जो इसका एग्जाम जो फॉर्म एप्लीकेशन फी है 15 जून से इसका फॉर्म भरना फिलअप हो जाएगा और 15 जून के बाद आप फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें मेन देखिए इसका सिलेबस में चेंज किया गया है कि मुख्य पेपर जो 150 अंक का होने वाला था उसे 120 अंक का कर दिया गया है, यानी कि 30 क्वेश्चन को हटाकर 120 अंक यानी 120 क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, जिसमें 80 क्वेश्चन जो है वो संबंधित विषय से होगा और 40 अंक जो है सामान्य ज्ञान होगा। सामान्य ज्ञान मतलब आपका जितना भी आर्ट्स और साइंस के सब्जेक्ट है उससे होगा, लेकिन 80 अंक जो है वो संबंधित विषय से होगा। मेन पेपर जो है 120 अंक का होगा, उसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगा। और पहला पेपर जो है 100 नंबर का होगा, वो उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, वो सिर्फ ओनली क्वालिफाई नेचर का होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आएगी जब आप फॉर्म भरेंगे तो अगर आपके पास तीनों लेवल की योग्यता है कि आप 1 से 5 और 9th 10th और 11th 12th तीनों का अगर आपके पास योग्यता है, आप सीटेट भी क्वालिफाई है, बिहार टेट भी किए हुए हैं, तो आप तीनों भर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक ही एप्लीकेशन है, एक ही आवेदन करना है, लेकिन आपका एग्ज़ाम जो है वो तीनों एग्ज़ाम अलग अलग दिन होगा। नेक्स्ट है, आइए देखते हैं, नेक्स्ट कहा गया है कि बीपीएससी 170461 शिक्षक का भर्ती जो होने वाला है, आवेदन 15 जून से होगा और एग्ज़ाम का शेड्यूल जो है वो अगस्त में दिया गया है और रिजल्ट का शेड्यूल नवंबर में दिया गया है। इसमें जो कहा गया है अगर जो कैंडिडेट 2012 के बाद टीचर बने हुए हैं यानी कि टीचर है, उसके लिए उम्र की कोई वैधता नहीं है, वह किसी भी उम्र का है, वो अब फॉर्म भर सकता है। और नेक्स्ट है कि 120 अंक मेन जो 120 अंक का एग्ज़ाम होगा वो 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा, 120 प्रश्न होगा और ये तो बता ही दिए हैं। नेक्स्ट है कि 31 अगस्त 2023 तक होने वाले BA DLED जो भी स्टूडेंट अगर 31 अगस्त 2023 तक अपना BA DLED की डिग्री ले लेते हैं तो वो भी स्टूडेंट इस बार BPSC में बैठने का योग है। यानी कि अगर आपका अभी BA DLED क्लियर नहीं हुआ है, आप 31 अगस्त तक क्वालिफाई कर जाते हैं तो भी आप इसमें भर सकते हैं। और इसमें उम्र का क्राइटेरिया जो है, उम्र भी 31 अगस्त 2023 से ही उम्र का काउंटिंग किया जाएगा। नेक्स्ट है, अब परीक्षा की प्रक्रिया क्या होगी, कैसे होगी, उस पर हम आते हैं। तो 120 अंक का मुख्य पेपर होगा जिसमें नेगेटिव मार्किंग होगा, 100 अंकों का क्वालिफाई पेपर होगा जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, क्वालिफाई में 30% यानी 30 अंक लाना अनिवार्य है। नेक्स्ट है कि नियोजित शिक्षक और फ्रेश अभ्यर्थी की परीक्षा एक साथ होगी, यानी जो टीचर नियोजित है वो टीचर में अभी है और जो नए स्टूडेंट है दोनों का एग्ज़ाम एक साथ होगा। 6 लाख से अधिक अभ्यर्थी होने पर एक शिफ्ट में इसका अधिक से अधिक 2 शिफ्ट किया जाएगा। अगर टोटल BPSC अप्लीकेबल जो स्टूडेंट अप्लाई करेंगे अगर 6 लाख लगभग रहेगा तो सबका एग्ज़ाम एक ही शिफ्ट में हो जाएगा, अगर ज़्यादा रहेगा तो 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम लिया जाएगा। नेक्स्ट है, कक्षा 1 से 5, 9 से 10 और 11-12 शिक्षक बनने के लिए तीनों के लिए एक ही फॉर्म आवेदन करेंगे। अगर जो स्टूडेंट तीनों के लिए योग्य है उसको भी एक ही एप्लीकेशन करना है। नेक्स्ट है, नियोजित शिक्षक की उम्र सीमा से संबंधित नहीं है, जो टीचर पहले से का टीचर बने हुए नियोजित है उसके लिए उम्र सीमा का कोई ई नहीं है। और जो TET और STET दोनों उत्तीर्ण किए हुए हैं उसके लिए उम्र में 10 साल का छूट दिया गया है। नेक्स्ट है, परीक्षा जो है 29, 20, 26, 27 अगस्त में होगा और रिजल्ट नवंबर में आएगा। नेक्स्ट बात है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर कोई स्टूडेंट इंजीनियरिंग में
या इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो वह 9th 10th के टीचर बन सकते हैं और उसके लिए बीएड का कोई ज़रूरी नहीं है। यानी कि इंजीनियरिंग वाले जो जितने भी है या कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएशन किए हुए हैं वह विदाउट बीएड या डीएलएड या फॉर्म भर सकते हैं और टीचर बन सकते हैं। नेक्स्ट है कि किस पद के लिए कितना वैकेंसी है और किस पद में कितना सैलरी दिया जाएगा उससे हम बात करते हैं। तो प्राथमिक स्तर में कुछ 79,943 पद है, इसमें जो है 25,000 रुपये प्रतिमाह सैलरी है भत्ता हटा के। अगर आप अपना ज़िला छोड़कर अदर ज़िला में जाते हैं तो वहाँ आपको सभी सुविधा दिया जाएगा, भत्ता अलग से दिया जाएगा और वह जगहों के अनुसार भत्ता दिया जाता है। नेक्स्ट है उच्च माध्यमिक के लिए जो 57,602 पद है इसमें 32,000 रुपया प्रतिमाह दिया जाएगा भत्ता अलग से। नेक्स्ट है कि प्रत्येक श्रेणी के शिक्षक के लिए लागू होगा एक नई पेंशन अनुभाग प्रमोशन 2 साल में, यानी कि 2 साल के बाद आपका प्रमोशन का प्रोसेस जो है वह स्टार्ट हो जाएगा और अस्थाई एवं नई पेंशन का जो रूल है वह नया प्रोसेस से होगा। नेक्स्ट है कि परीक्षा का सिलेबस, अब सिलेबस की बात कर लेते हैं। कक्षा 1 से 5 जो प्राइमरी टीचर के लिए है यह एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस रहेगा। 9th 10th 11th 12th के लिए जो है यह अभी एनसीईआरटी बेस्ड में होगा, यानी कि आपका सिलेबस जो होने वाला है यह टोटली एनसीईआरटी बेस्ड होने वाला है। नेक्स्ट है कि अब स्टूडेंट क्वालिफाई कैसे होगा, क्वालिफाइंग नेचर क्या होगा। तो यहाँ क्या कहा गया है, सामान्य जो जनरल में आते हैं वो 40% और ओबीसी में आते हैं वो 36.5% और ईडब्ल्यूएस जो है वो 34%, एसटी और महिला दिव्यांग के लिए 32% है। अगर आप इतना परसेंट अंक लाते हैं तो आप क्वालिफाई समझे जाएंगे। नेक्स्ट है और लास्ट इन्फॉर्मेशन है बीएड या डीएलएड पास आवेदन करेंगे। नेक्स्ट है कक्षा 1 से 5 तक के अभ्यर्थियों के लिए इंटरमीडिएट के साथ डीएलएड और सीटेट या टीटी उत्तीर्ण होना चाहिए। कक्षा 9 और 10 के लिए स्नातक बीएड एसटीटी चाहिए। कक्षा 11 और 12 के लिए स्नातकोत्तर यानी स्नातक के साथ बीएड और एसटीटी चाहिए, स्टेट क्वालिफाई होना चाहिए। नेक्स्ट है कि बीएड और डीएलएड परीक्षा दे रहे अभ्यर्थी कब तक, यानी कि जो स्टूडेंट का अभी बीएड और डीएलएड नहीं हुआ है होने वाला है, अगर वह 31 अगस्त 2023 तक बीएड और डीएलएड क्लियर हो जाते हैं तो यह फॉर्म भर सकते हैं। और यह है कि वह पहले से स्टेट क्वालिफाई है या स्टेट क्वालिफाई है। तो नेक्स्ट है एसटीटी पेपर 1 गणित और पेपर 2 भौतिकी से की है तो कक्षा 11 12 में भौतिकी का टीचर बन सकेंगे। अब है कि अगर आप स्टेट जो है स्टेट बिहार स्टेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई है उसमें जो पेपर से आप क्वालिफाई है आप उसी पेपर का टीचर बन पाएंगे। अगर आप गणित से क्वालिफाई हैं, अगर आप किसी अन्य सब्जेक्ट का टीचर बनना चाहेंगे तो आप नहीं बन सकते हैं। नेक्स्ट है कि आप बिहार का अस्थाई निवासी होना चाहिए, यानी कि आपके पास अगर रजिस्टेंस नहीं बना हुआ है तो फॉर्म भरने से पहले आप अपना रजिस्टेंस बनवा लीजिए, यानी कि निवासी आपको बनाना होगा। और इसमें क्लियर कहा गया है कि बिहार का निवासी अनिवार्य है। तो शायद ये हो सकता है कि बिहार को छोड़कर अदर स्टेट वाले इस बार टीचर के लिए बीपीएससी का एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, लेकिन इस बात को क्लियर किया नहीं गया है। लेकिन यहाँ बिहार का स्थायी निवासी मांग रहा है तो बाहर का चांस ही नहीं बनता है। नेक्स्ट है मेघा सूची कैसे बनेगा, सबसे बेस्ट पॉइंट है अगर क्वालिफाई कैसे होगा तो लिखित परीक्षा के आधार पर जो मेघा सूची बनाया जाएगा। इसमें समान अंक आने पर अगर 2 कैंडिडेट या 2 से अधिक कैंडिडेट का समान अंक आ जाता है तो उसका क्या होगा, तो उसमें उम्र को पहले देखा जाएगा, उम्र के बेसिस में उसको आगे पीछे किया जाएगा। उम्र के बेसिस में नहीं होगा तो उसके नाम का जो लिपि होता है लैंग्वेज या अल्फाबेट देवनागरी लिपि के अनुसार आगे पीछे किया जाएगा। जैसे एग्जांपल दिया है अमन और प्रकाश में अमन का चयन होगा। तो ये टोटल इन्फॉर्मेशन था शुरू से लास्ट अब तक का लेटेस्ट न्यूज का इन्फॉर्मेशन।
अगर आप कुछ डाउट है, अगर आप कुछ और पता करना चाहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उसके बारे में आपको कमेंट में बता दिया जाएगा। वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, धन्यवाद। चैनल पे जर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टीचर बहाली के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट चैनल में चलाया जाता है, ज़रूर ज्वाइनिंग कीजिएगा, धन्यवाद। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम बात करने वाले हैं चक्षु पब्लिकेशन के इस बुक के ऊपर, जो बीपीएससी द्वारा प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती के लिए एक गाइड है। बीपीएससी ने जो शिक्षक भर्ती के लिए सिलेबस जारी किया गया है, यह उन्हीं सिलेबस पे बेस्ड है। पेपर वन के लिए 100 नंबर जो हिंदी और इंग्लिश है, और पेपर टू में सामान्य अध्ययन गणित भूगोल इतिहास और बिहार सामान्य अध्ययन। इस बुक में सारे कंटेंट अवेलेबल है और सभी चैप्टर वाइज दिए गए हैं, बाद में MCQ भी ऐड किए गए हैं। इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इस बुक को ज़रूर परचेज करें। इसके साथ साथ आप हिंदी और इंग्लिश का गाइड लेकर अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं।